दोस्तों, ओम रावत की आदिपुरुष रिलीज के साथ ही दर्शकों के गुस्से का शिकार हो गई। अब अनुभवी कलाकार सुनील लहरी, जिन्होंने रामानंद सागर की महाकाव्य सीरीज रामायण में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी, उन्होंने आदिपुरुष को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया शेयर की। ANI से बात करते सुनील लहरी ने फिल्म देखने के बाद अपने विचार शेयर किए। उन्होंने कहा, मुझे फिल्म किसी भी एंगल से पसंद नहीं आई, सिर्फ दो ही चीज मुझे पसंद आई। एक तो बैकग्राउंड म्यूजिक पसंद आया, वो ठीक था, और सिनेमाटोग्राफी अच्छी थी। बस बाकी कैरेक्टराइजेशन से लेके पिक्चराइजेशन तक इनका कुछ सर पर नहीं था। उन्होंने आगे इस फिल्म के इरादे और टारगेट ऑडियंस पर सवाल उठाया, मुझे नहीं पता बच्चों से लेकर बड़े जो भी मॉडर्नाइजेशन की बात करते, जो ये कोई आधुनिक फिल्म नहीं है। किस एंगल से आधुनिक फिल्म है? टैटू बनाने से पिक्चर मॉडर्न हो जाती है क्या? मुझे नहीं पता कि वे क्या कहना चाह रहे थे, मुझे फिल्म से बहुत सारी उम्मीदें थी। सुनील ने खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म देखने से पहले कोई बयान देने से इनकार कर दिया था, लेकिन इसे देखने के बाद इसके बारे में अपने विचार शेयर करने में शर्म महसूस हुई। उन्होंने ये बताया कि उनके अलावा फिल्म देखने वाले बाकी टीम भी फिल्म से उतनी ही नाराज थी। इंद्रजीत के साथ भगवान हनुमान के विवादास्पद संवाद को देखने के दौरान सुनील ने अपने विचार भी शेयर किए और कहा, न केवल एक कलाकार के रूप में, एक इंसान और देश के नागरिक के रूप में। सुनील ने कहा, एक कलाकार और नागरिक होने के नाते मुझे लगा कि मैं पर्दा फाड़ दूं, हनुमान जी सिर पीट रहे होंगे कि किस तरह के डायलॉग बुलवा रहे हो मेरे किरदार से। हनुमान जी को पूजा जाता है, उनको यानी निर्माताओं को ख्याल नहीं आया लिखने से पहले ये क्या बम्बैया फुटपॉट भाषा का इस्तेमाल किया है। यहां तक कि उन्होंने रावण यानी सैफ अली खान को लोहार के रूप में काम करते हुए दिखाने के लिए भी निर्माताओं की आलोचना की। उन्होंने ये कहकर अपना रिव्यू खत्म किया, मैं ये समझता हूं कि इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जहां तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात है तो आदिपुरुष ने दुनिया भर में 395 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है।